तो चलो अब हम लोग क्या डिस्कस कर लेते हैं, फैक्टर थ्योरम। तो जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ लिया, रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि कोई पार्टिकुलर पॉलिनोमियल अगर किसी भी लीनियर फैक्टर से डिविजिबल होता है, इससे ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी लीनियर फैक्टर से, इफ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस है, किससे, एक्स माइनस है, तो यहाँ पे हम क्या कमेंट करते थे, पी ऑफ ए इज रिमाइंडर, इज रिमाइंडर, है ना बेटा। ये मे बी जीरो हो सकता है, मे बी कोई इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, बट हम इतना कमेंट तुरंत करेंगे कि अगर पी ऑफ एक्स एक्स माइनस ए से डिवाइडेड है तो रिमाइंडर कितना आएगा, इतना। अगर यही पी ऑफ एक्स किससे डिवाइडेड है बेटा, एक्स प्लस ए से, तो रिमाइंडर हम कितना बोलेंगे, पी ऑफ माइनस ए, यहाँ का अपोजिट साइन ले लेते हैं, जो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस ले ले, समझ गए ना। तो ये रिमाइंडर बोल देंगे डायरेक्ट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिमाइंडर बोलेंगे, यानी रिमाइंडर की जगह पे हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्लियर ना। तो देखिए फैक्टर थ्योरम जो होती है वो टेल्स अबाउट द फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो फैक्टर थ्योरम होती है किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर के बारे में बताती है कि कोई पार्टिकुलर पॉलिनोमियल की फैक्टर की क्या कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे बोला गया इफ एनी पॉलिनोमियल, इफ एनी पॉलिनोमियल डिग्री ग्रेटर देन वन एट एक्स इक्वल टू ए गिव्स पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो, देन एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक बेटा। अगर किसी एक्स की वैल्यू ए पे, कोई पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए, तो एक्स माइनस ए हमारा क्या होगा, उसका फैक्टर होगा, ठीक बेटा। समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए ना। यानी ये ध्यान देना है, यहाँ अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो ये माइनस, यू कैन से दैट अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लेना है, माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो क्या लेते हैं हम लोग, प्लस, ठीक बेटा। प्रूविंग देख लेते हैं बेटा, क्या दिया क्या है, गिवन, सबसे पहले तो आप ध्यान से देखो गिवन क्या है, पी ऑफ ए इक्वल टू आपको कितना दिया है बेटा, जीरो दिया है, पी ऑफ ए जीरो है कि नहीं है, है ना, एट एक्स इक्वल टू ए बेटा, है कि नहीं है, अच्छी बात। ध्यान से देखो बेटा, अगर डिवीजन एल्गोरिदम हम लोग देखें तो पी ऑफ एक्स ये हमारा जी ऑफ एक्स होता था कि नहीं होता था, और ये क्या होता था बेटा, क्यू ऑफ एक्स, और यहाँ क्या आ जाता था, आर ऑफ एक्स या रिमाइंडर बोलें, क्लियर ना। तो बेटा यहाँ आर बराबर हम लोग पी ऑफ ए लिख सकते हैं इफ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए बेटा, अगर एक्स माइनस ए से डिवाइडेड है तो आर बराबर पी ऑफ ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इतनी तो बात बराबर है ना। अब ध्यान से देखो, यानी जी ऑफ एक्स की जगह पी ऑफ एक्स तो हमारा ये होगा, लेकिन जी ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा, एक्स माइनस ए, यानी दिस इज बिहेविंग लाइक एज अ डिवीजर। क्यू ऑफ एक्स क्या आएगा हमको नहीं पता था, हम उसको वेरिएबल टर्म ले लेते हैं, आर की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, पी ऑफ ए, इतना तो ले सकते हैं ना, क्योंकि हम रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ चुके हैं, अगर ये एक्स माइनस ए से डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर क्या है, पी ऑफ ए। तो यहाँ ध्यान से देखो बेटा, बाय डिवीजन एल्गोरिदम हम क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ध्यान से देखें आप कि एक्स माइनस ए और क्यू एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये, और आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, पी ऑफ ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और क्वेश्चन में क्या दिया है, पी ऑफ ए कितना दिया है, जीरो, तो एक्स माइनस ए और क्यू ऑफ एक्स जीरो लिखें चाहे ना लिखें बेटा,
क्योंकि क्वेश्चन में हमको मतलब कंडीशन हमने ये लगाई है कि पी ऑफ ए अगर जीरो है तब हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर पी ऑफ ए हमारा क्या है जीरो के बराबर है। समझ में आया, कोई समस्या नहीं? चलो ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं यहाँ 6 बराबर 1 इंटू 2 इंटू 3 लिखूँ तो तुम क्या कमेंट करते हो कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, और क्या कमेंट करते हो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 1 इज अ फैक्टर ऑफ 6। अगर किसी नंबर के इक्वल कोई प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है तो पार्टिकुलर प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, मतलब पार्टिकुलर प्रोडक्ट के जो सदस्य होते हैं इसके क्या होने चाहिए, फैक्टर। नहीं समझे, यहाँ 2 जैसे क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, उसी तरीके से ये भी तो प्रोडक्ट फॉर्म में है लेकिन किसकी वैल्यू है, पॉलिनोमियल पी एक्स की। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस एक्स माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्लियर ना, क्योंकि ये उसके प्रोडक्ट में है। नहीं समझे, हाँ कोई दिक्कत, सॉरी तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। कोई दिक्कत बेटा, कोई समस्या? अच्छा यहां से एक नोट हम लिख लें बेटा, इफ पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, उसका फैक्टर क्या हो, क्या कह सकते हैं बेटा, एक्स एक्स माइनस ए इज फैक्टर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं ना। अगर यही कहीं पी ऑफ माइनस ए बराबर जीरो होता तो यहाँ क्या बोल देते बेटा, एक्स प्लस ए इज अ इज फैक्टर, बेटा बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते। जैसे एग्जांपल ले लें बेटा, तो हमने बोला पी ऑफ माइनस टू इक्वल टू जीरो, तुम यहाँ से क्या बोलोगे, पी ऑफ सॉरी x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। जैसे यहाँ p ऑफ 3 सेट, यही नौटंकी होती। चलो p ऑफ 3 हमारा क्या हो जाए, जैसे यहाँ देखो p ऑफ 3 हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना। तो यहाँ से क्या बोल दोगे, तो अगर हम बात करें कन्वर्स ऑफ फैक्टर थ्योरम की तो यहाँ पे क्या रहेगा, इफ x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो। ठीक ना बेटा, आपको ध्यान से देखना है, इसका कन्वर्स भी याद रखना है कि क्योंकि कन्वर्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन दे देते हैं। क्लियर ना, तो यहाँ पे दोनों कमेंट करना आपको आना चाहिए। जैसे कि यहाँ बोला x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ दैट पार्टिकुलर पॉलिनोमियल, तो आपको बोल देना है कि वो उसका रिमाइंडर यानी वो वैल्यू उठा करके पॉलिनोमियल में रखेंगे तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ गए ना बेटा, क्लियर कि नहीं क्लियर? इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, इफ पी एक्स इज डिविजिबल बाई इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस ए इट्स मीन देन x माइनस ए इज फैक्टर, x माइनस ए इज फैक्टर, x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्लियर ना बेटा, ऐसे ऐसे कमेंट आपको याद रखना, ये लाइन्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा, बोल देगा x माइनस ए पी ऑफ एक्स ये पार्टिकुलर पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, उसका फैक्टर क्या है बेटा, x माइनस ए क्या है, उस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर वो फैक्टर है, x माइनस ए फैक्टर है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, रिमाइंडर यानी p ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू क्या बेटा, जीरो। क्लियर ना, समझ गया ना, तो कोई भी कंडीशन आपको दे दे, आपको पहचानना है, ठीक, कोई भी कंडीशन आपको दे दे, आपको क्या करना है, पहचानना है। ठीक, बैठ जाओ तब से, समझ गया कि नहीं समझे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब कोई भी सिचुएशन दे दे, आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर हमने पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो दे दिया तो तुमको क्या कमेंट करना है, x माइनस ए इज अ फैक्टर, x माइनस ए इज अ फैक्टर। और रिवर्स भी चल सकते हो, कैसे चल सकते हो बेटा,
रिवर्स भी चल सकते हो, एरो में रिवर्स भी लगा दे रहा, समझ गए ना। तो यहां से क्या बोल सकते हो, पी एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस ए, क्लियर ना। मैं फैक्टर बोलूं या डिविजिबल बोलूं, दोनों बात एक है ना। ऐसे भी अगर क्वेश्चन दे दे, इफ पी ऑफ एक्स इज जीरो एट एक्स इक्वल टू ए, कहां पे बेटा, एक्स इक्वल टू ए। तो यहां से पहले कमेंट क्या कर सकते हो तुम, यहां से हम क्या कमेंट कर सकते हैं, एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, क्लियर ना। कैसी भी भाषा वो लिख दें, कैसी भी लैंग्वेज लिख दें, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, क्लियर ना बेटा। नहीं समझ पाए, क्लियर ना। अच्छा एक लाइन और हम यहां से लिख लेते हैं, इफ एक्स माइनस ए इज फैक्टर देन पी ऑफ ए इक्वल टू, क्या बोल सकते हो बेटा, जीरो बोल सकते हो ना, ध्यान से देखते रहना। सिमिलरली बेटा, इफ एक्स प्लस ए इक्वल टू इज अ फैक्टर देन क्या कमेंट कर सकते हो बेटा, पी ऑफ माइनस ए इक्वल टू जीरो, यहां का जस्ट अपोजिट साइन लेना है, यहां का जस्ट, यानी इसको किसके बराबर दिखा दो, जीरो के बराबर दिखा दो, किसके बराबर दिखा दो बेटा, जीरो के बराबर। तीसरा कमेंट बेटा कितना हुआ, एक दो तीन चौथा पांचवा जो भी हो नंबर अपना देख लेना। अगर बेटा यहां से हमने ए एक्स प्लस बी लिखा इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, है ना, तो यहां से क्या बोलोगे बेटा, देन पी ऑफ माइनस बी बाई ए, यानी यहां से इसको किसके बराबर दिखाना बेटा, जीरो के बराबर, और यहां से एक एक्स की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, माइनस बी बाई ए, ये वैल्यू उठा के पुटअप कर देना, ये वैल्यू क्या कर देना है, उठा के पुटअप कर देना है, ठीक ना। ये एज इट इज आपको याद होने चाहिए। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बेटा, इफ ए एक्स माइनस बी इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, यहां से क्या कमेंट करना है आपको, देन यहां जीरो कर लो, पी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू जीरो। समझ में आया क्या, समझ में आया ना, ये प्रॉपर समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, समझ में, मतलब किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन घुमा के दे सकता है तो आप पूछ बता सकते हो, इन सब सिचुएशन का यूज करा के वो क्या कह सकता है कि बोल सकता है कि बताओ ए की वैल्यू बताओ, कोई कांस्टेंट दे दे के की वैल्यू बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको याद रखें। अब अच्छा थोड़ी सी मीनिंग नोट करके देख लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इफ पी एक्स इज डिविजिबल, क्या बेटा, डिविजिबल बाई एक्स माइनस ए, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है बेटा, इसका मीनिंग क्या क्या हो सकता है ना, यहां से हम क्या क्या कमेंट कर सकते हैं, यहां से एक कमेंट तो ये कर सकते हैं, एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, पहला कमेंट ये कर सकते हैं बेटा, है ना। दूसरा कमेंट क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका मतलब एक और होता है, रिमाइंडर इज जीरो बेटा, अरे बंद करो, रिमाइंडर इज जीरो बेटा, क्लियर ना। और क्या बोल सकते हैं इसको, पी एक्स इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, क्लियर ना। समझ गए कि नहीं समझे, इतने कमेंट हम कर सकते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर ये आपको आते हैं तो आप सारे के सारे क्वेश्चन बड़े आसानी बहुत इजीली कर सकते हो, क्लियर ना।